वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकेंड पार्ट ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड स्किल्स देखेंगे, कैसे लॉगरिथम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए और सॉल्व किया जाए। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में लॉगरिथम के बारे में जितना जरूरी है 11th 12th के बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री में वो सब बताया हुआ है। अफकोर्स उतना डिटेल में मैंने डेरिवेशन नहीं किया हुआ क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ था, तो उतना डेरिवेशन का भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करने वाले हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ आपको टेक्निक भी आ जाएगा, ठीक है, स्किल्स हो जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। मैं हर टाइप का, जैसा मैंने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ, हर टाइप का कोशिश करूँगा कि 2-3 क्वेश्चन ले लिया जाए और उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइव हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन में हम लोग एकदम सिंपल वाली हैं, एकदम बेसिक वाला, और वो क्या है कि हमको नंबर दिया हुआ एक्सपोनेंट के फॉर्म में, उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। और वो क्या है, तो वो कुछ नंबर इस तरह से, पहला है 17 का पावर 4, 17 raised to power 4 = 83521। ये होता है 17 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 17 × 17 × 17, तो आपको आएगा 83521। तो यहाँ पे आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यही चीज़ को एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, और इस चीज़ को वैल्यू बोलते हैं। तो हम लोग जब लॉग में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ वैल्यू कोई होता है, लॉग किसी वैल्यू का होता है, जैसे यहाँ किसका होगा 83521 का, और बेस कौन होगा, जो बेस एक्सपोनेंट में है, यानी 17। ठीक है, और इसी का आंसर जो होता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग का आंसर होता है, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं या पिछले लेक्चर देख सकते हैं। सेकंड जो है उसमें दिया हुआ है कि 21, ठीक है, अब ये इस तरह का हो गया, आप ये भी कर सकते हैं। अब एक हम लोग कर लेते हैं पावर वाला, ठीक है, तो 21, हाँ चलिए इसे ईजी लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं कि 16 का पावर 3/4 = 8। मान लीजिए क्वेश्चन, तो 16 का पावर 3/4 है = 8, तो अगेन ये वैल्यू है, ये एक्सपोनेंट है, और ये हमारा बेस है, तो मेरा बेस जो इस एक्सपोनेंट का है वही लॉग का ही बेस रहता है, आंसर जो है एक्सपोनेंट वो हो जाता है मेरा लॉग का आंसर, और ये क्या हो जाता है, ये इसका वैल्यू, तो इसका हम लोग लॉग निकालेंगे। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 16 इज इक्वल टू 3/4। ठीक, तो ये हो गया। उसी तरह से किसी निगेटिव नंबर का, एक निगेटिव नंबर का भी ले लेते हैं, पावर 3 ही तरह का होता है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन में या निगेटिव, तो निगेटिव में भी निगेटिव लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है 1/4 का पावर -3 = 64। ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में अगेन क्या करेंगे, ये है इसका बेस, तो बेस तो वही रहेगा लॉग ऑफ बेस, वो लॉग ऑफ 64 वैल्यू का होता है ना एक्सपोनेंट, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 1/4 = -3। तो सो इजी, बहुत इजी है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप में हम लोगों को क्या करना है, इसको सेकंड में हम लोगों को लॉग का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लॉग का वैल्यू निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरह। यहाँ क्या है हमारा, डिटरमाइनिंग अबाउट वैल्यू ऑफ लॉग, और ये कहाँ से आएगा, तो सिंपल वही कंसेप्ट से, ठीक है, डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ लॉग। जैसे फर्स्ट जो है इसमें ये बोल रहा है लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4, ठीक है, बेस 4 से, तो बेस कुछ भी हो सकता है, हम लोग जनरली 10 और ई यूज करते हैं, पर हो तो कुछ भी सकता है, यहाँ 4 है। इसको आपको बोल रहा है कि ये कितना होगा, तो आप याद कीजिए इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि 4 का सम पावर होगा, 4 का सम पावर अगर x मान लें तो 4 का पावर x होगा, जो किसके बराबर होगा 64 के बराबर। तो आराम से 64 को अगर 4 के रूप में लिखे तो 4:2 कितना होगा, 4:3 तो 4:3 है, तो आराम से आपको दिख रहा है 4:x = 4:3, अगर इक्वल होना है तो x को कितना होना पड़ेगा 3, तो x हो गया 3, और यही चीज़ क्या माने हम लोग पावर, और वही पावर तो होता है सर, तो ये हो गया 3। ठीक है, यानी 4 को 3 पावर रेज करेंगे तो 64 होगा। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4 raised to power 3 = 64। ठीक, ओके, आइए सेकेंड की तरफ। सेकेंड में हमको क्या बोला, लॉग ऑफ 216 to the base 6। आसानी से आप कह भी सकते हैं, आप डायरेक्ट भी ये 6 का पावर अगर 3 कर देंगे 216, चलिए पर नहीं तो हम इसको x मान लेते हैं। तो हम लोग अब समझ सकते हैं कि इसका बेस ये 6 है, 6 का कुछ बेस, उसका कुछ पावर होगा, मान लीजिए x पावर होगा, जो कितना होगा 216। अगर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, पावर जो होता है वही लॉग का आंसर होता है, तो आपको अब लग रहा है 6 का पावर x है, तो ये कितना होगा 6 से पावर 3, ठीक है, 6 से पावर 3 होता है 216, तो आराम से x कितना हो गया 3 इस केस में भी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में लॉग ऑफ
टू log of 8 to the base 2. तो अब आपको क्या करना है, 2 का पावर सम x, इसको x मान सकते हैं, 2 का पावर सम x इक्वल टू 1/8. तो 1/8 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 का पावर 3. और जब यहाँ है हमको ऊपर ले जाना, तो क्या करते हैं, पावर निगेटिव रहता है तो 2 का पावर -3. तो आराम से 2 का पावर x 2 का पावर -3 के बराबर है. तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x को -3 के कॉल रखना पड़ेगा. तो x यहाँ गया क्या, -3. उसी तरह से मान लीजिए फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है सिंपल log of 1/100. आपको पता है log of 100 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि बेस यहाँ नहीं है, बेस है यहाँ पे 10 बेस है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 का सम पावर होगा x, ये बेस है ना, बेस का पावर होगा सम x, जिससे क्या आया 1/100. 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 का पावर 2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर -2. तो आपको आराम से लग रहा है कि x का पावर x कितना वैल्यू हो जाएगा, -2. उसी तरह से एक चलिए e वाला कर लेते हैं, यानी जब बेस e रहे तो log of e का पावर 4, या ये चीज़ आपको मिलेगा ln e का पावर 4. ठीक है, तो ln e का पावर 4 है, तो इसको इसका क्या मतलब है कि बेस तो यहाँ e ही है, तो e का पावर सम x होगा, जिससे कि e का पावर 4 आया है, यही ना आता है वैल्यू. तो आराम से x कितना होगा, 4. तो इस तरह से आप दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. चलिए तीसरे टाइप में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक की मदद से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है और यूज होता है आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको लिखना है राइट, क्वेश्चन थर्ड टाइप है, राइट फॉलोइंग इन सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म, फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या रहने वाला, देखिए आपको यहाँ से पता चलेगा ये लॉगरिथम जो है वो कितना आसान बनाता है चीज़ों को. आपको इसके लिए बार प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि log of a into b जो होता है वो क्या होता है, log of a plus log of b. अगर मैं यहाँ पे x y ले लूँ तो x plus y. उसी तरह से अगर log of a divided by b है, इसका मतलब है log of a माइनस log of b. ये उसी तरह से है जैसे एक्सपोनेंट में था ना कि a का पावर x है इंटू a का पावर y है, तो ये होता है a का पावर x प्लस y. उसी तरह से ये भी कुछ लॉ है. उसी तरह से एक और था log of a का पावर n, तो n आगे आ जाता है और ये हो जाता है log a. ठीक है, ये कुछ था, इसी पे हम लोग को करना है, इसी लॉ पे. तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा, log of, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकालना है वो है 9x^7 y का पावर -4. बेस कुछ हो सकता है, अभी मान के कुछ नहीं दिया हुआ, बेस मतलब बेस 10 है. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग को सिंपल फॉर्म में लिखना. तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि 9 अलग है, 9 × x^7 और × y^-4 ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ लिख सकते हैं. तो इसको क्या लिख लें, log of एक अलग हो जाएगा 9, फिर उसके साथ एक और कौन आ जाएगा, एक और आ जाएगा log of x^7, क्योंकि प्रोडक्ट में जब रहता है तो आप देखें ना, a 2 भी हो सकता है 3 भी, जब प्रोडक्ट में रहता है तो क्या होता है, प्लस में रहता है, log x^7 और प्लस log of y^-4. ठीक, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे y 9 है, इसको लिख सकते हैं 3^2. ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, log 3 सिंपली आ जाएगा. इसको क्या लिख सकते हैं, 7 आगे ले लेंगे, पावर है, पावर अगर जो रहता है वो आगे आता है, तो 7 log x. उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, इधर ले आएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 log y. ठीक, तो इसको एक और स्टेप अगर लिख लें तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 3 प्लस 7 log x और साथ में -4 log y. ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में log का इक्वेशन जो आपको दिया था सिंपल लॉगरिथम. एक दो और कर लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास है ln, ठीक है, और ln के साथ दिया हुआ x y² + z². ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो अगेन आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ln x प्लस ln क्या y² + z². अब अगेन ln x, अब अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, पावर 1/2 है, तो y² + z² और इसका पावर 1/2. तो ये क्या हो जाएगा, ln x प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 ln y² + z². अब ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये दोनों प्लस में है तो इस दोनों का मल्टीप्लाई में कर देते हैं, उल्टा नहीं सही है. अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो प्लस में कर सकते हैं. ठीक, तो ये हो गया आपका सिंपल. एक और हम लोग देख ही लेते हैं इसका थर्ड. थर्ड में आपको डिवीजन, थोड़ा सा डिवीजन अभी तक नहीं लगा है तो डिवीजन ले, x^4 है, बेस 4 है और इसमें दिया हुआ x - 5/x². चलिए यही एक सिंपल लेते हैं. तो इस कंडीशन में आप जानते हैं कि log of 4 रहने देंगे और ये डिवीजन में है तो डिवीजन में माइनस हो जाता है, तो log of 4 x - 5 और माइनस log of x². अब अगेन x² है तो पावर जो है वो क्या आ जाएगा आगे में, तो log of 4 x - 5 और 2 आगे में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -2 log x. तो चलिए ये हो गया हम लोग को सिंपल लॉगरिथम में, लॉगरिथम के मदद से देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को
हम लोग प्लस और माइनस में सिंपली में चलिए वैसे क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन को मैं मिक्स करूंगा। पहला टाइप क्वेश्चन रहेगा कि बेस आप चेंज कर ले, ठीक है, और उसके साथ साथ कैलकुलेट भी करें, मतलब वैल्यू भी कैलकुलेट करना और बेस भी चेंज करना, दोनों आपको आ जाएगा। आपको मुझे उम्मीद है कि आप बेस चेंज वाला कंसेप्ट समझते हैं। आप समझते हैं ना कि किसी भी बेस से किसी भी बेस को कैलकुलेट करना, किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। अगर मान लीजिए लॉग ऑफ ए निकालना है आपको टू द बेस बी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जैसे एग्जांपल ले लूँ, लॉग ऑफ आपको कितना निकालना है 25, ठीक, 25 निकालना है किसके टू द बेस 22, मान लीजिए बेस आपका 22 है, तो ये निकालना आसान नहीं है। 22 का कितना पावर रेज किया जाए कि 25 आ जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस लॉग को अगर हम किसी दूसरे में बदल दें, लॉग ऑफ ए लिख दें और लॉग ऑफ बी लिखते, ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। और इसका आप कोई भी बेस अगर आप सिर्फ ये कर लेते हैं लॉग ऑफ ए टू द बेस लॉग बी, तो आप कोई भी बेस में बदल सकते हैं। यहाँ 10 लिखना है आपको बेस में, लिख लीजिए, एक्स लिखना है एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, तो किसी भी बेस में बदल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करना चाहे तो एक तो आपके मन में आएगा कि 5 से लगा देते हैं लॉग बेस 5 ले लेते हैं, तो 5 का पावर 2 25 आ जाएगा। लेकिन फिर 22 के केस में क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपके मन में आ रहा है इसको हम कर लेते हैं लॉग ऑफ 25 और बेस इसमें 5 ले लेंगे और फिर लॉग ऑफ 22 टू द बेस 5 ले लेंगे, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का कितना पावर करेगी 22, तो ये दिक्कत है। तो एकदम जल्दी जल्दी हमको नहीं करना है, थोड़ा सा सोच के करना है। तो हम लोग अक्सर क्या 90% केस में कोशिश करेंगे कि ये किस में बदल जाए, ये 10 में बदल जाए। तो यहाँ पे जैसे लॉग ऑफ कैसे निकलता है आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, ए जो है आर्गूमेंट है, तो लॉग ऑफ 25, ठीक, और बेस कितना 10 लेके चल रहे हैं, और लॉग ऑफ 22 टू द बेस 10, ठीक है, यानी एक बार आर्गूमेंट का एक बार बेस का लॉग निकालते हैं किसी अपने बेस के हिसाब से। तो इस कंडीशन में अगर हम लॉग इसको हम लोग अब अलग अलग निकाल लेते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि लॉग ऑफ अगर 25 निकालना है या कोई भी चीज़ निकालना है तो उसके लिए आपको तीन वैल्यू सिर्फ मेमोराइज करने रहते हैं, जो कि है लॉग ऑफ 2 0.301, ठीक है, लॉग ऑफ 3 0.477, लॉग ऑफ 7 जो कि है 0.845। और आपको आता ही है, आता है नहीं भी है तो चलिए धीरे धीरे सीख लेंगे, नहीं तो आप जाकर पिछले लेक्चर देख सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नीचे वाले को हम लोग क्या लिखें, लॉग ऑफ 22 टू द बेस 10। तो चलिए हम लोग बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं कि लॉग ऑफ 25 कितना होगा, लॉग ऑफ 22 कितना होगा। तो और ये तो आपको पता ही होगा कि 1 का जो लॉग का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है और 10 का 1। तो चलिए बढ़ते हैं लॉग ऑफ 25 टू द बेस 10। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो या कितने भी डिजिट का नंबर हो, ठीक है, चाहे आगे हो या पीछे, ठीक है, यानी 0.045 ऐसा कुछ भी हो, तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ ये जो है ना 25, इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट के बाद आपको डेसिमल आए, यानी अच्छे से बोले तो साइंटिफिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें आपको लिखना है। जैसे ये 25 है तो इसको हम लिख देंगे 2.5 × 10⁻¹, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर 250 रहता तो 2.5 × 10⁻², मान लीजिए 25,000 रहता तो कोई बात नहीं, 2.5 और उसका पावर 4। अगर आपको 255 होता तो 2.5 × 10⁻², सिंपल है, तो ऐसे लिख देना। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसके बाद हम लोग ये देखिए, इसके बाद हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहाँ मल्टीप्लाई में आ गया a इंटू बी, तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में लॉग किसको बदल, लॉग जो है मल्टीप्लाई को किसमें बदलता है, एडिशन में, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2.5 और उसके साथ साथ प्लस लॉग ऑफ 10। अब लॉग ऑफ 10 कितना होता है, 10 बेस भी है और 10, तो 10 का पावर 1 इक्वल टू 10, तो इसका आंसर तो 1 में आ जाएगा। ये क्या है लॉग ऑफ 2.5, तो लॉग ऑफ 2.5 किसके आसपास लग रहा है, तो 2 और 3 के बीच में लग रहा है, तो लॉग ऑफ 2 कितना है 0.301, लॉग ऑफ 3 कितना है 0.407, मतलब यही 300 से 477 के बीच में होने वाला है। आप चूँकि लॉग टेबल का आप यूज़ नहीं करने वाले हैं, लॉग टेबल का यूज़ करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, पर हम लोग को अप्रोक्सीमेट करना है, तो अप्रोक्सीमेट में कितना कर सकते हैं, तो देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ होगा 3 से, ठीक है, लॉग ऑफ 301 से, और वहाँ से कहाँ तक आया है, तो आया है 4.477 के तरफ। तो हम लोग अगर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचे इस दोनों के बीच में वो क्या हो सकता है, तो 300 और 477 इस दोनों के बीच में, तो हम 400 ले ले क्या, अच्छा रहेगा 400 ले लेंगे, तो ठीक है इस दोनों के बीच में, तो लगभग 400 और 390 ऐसे आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग लिए 0.3954 कुछ भी ले सकते हैं, या 0.40 भी ले सकते हैं या उसके आसपास, प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.395। ओके, अगर आप में किसी को दिक्कत है 1.395 क्यों, 1.4 ही लेते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप 0.4 भी लिख सकते हैं, मैं यही लेकर चलता हूँ, चलिए आपको अगर दिक्कत है तो आप आसपास कर लेंगे, तो 0.4 या आप 0.395 करेंगे तब भी चलेगा, ठीक, तो ये क्या हो गया 1.40। अब चलिए उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा इधर उधर चलता है लॉगरिथम में, आप कंपटीशन में या किसी भी चीज़ में बैठेंगे तो इतना चलता है,
इतना नहीं देखा जाता है, ठीक है, वैल्यू आपको आसपास में मिल ही जाएगा लोग, और कम्पिटिटिव एग्जाम में तो और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे तो आपको आराम से मिल ही जाएगा। तो लॉग ऑफ 22 टू द बेस 10, अब अगेन इसमें क्या करेंगे, लॉग ऑफ 2.2 इंटू 10 का पावर 1, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई को प्लस में लिखेंगे, तो लॉग ऑफ 2.2 प्लस लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 अगेन क्या हो जाएगा 1, ये 2.2 अगेन किसका, 2 और 3 के बीच में है फिर से, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में इसको क्या लिखा जाए, तो 2 और 3 पर ये 2 के ज़्यादा पास है, मतलब 301 था ना 2 का वैल्यू, तो उसके ज़्यादा पास है, तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, तो 400 पे तो ये नहीं जाएगा, 400 पे तो वो जा रहा है जो उसके बीच में है, ठीक है, किसके बीच में है, तो जो 5 है, 0.5 है उसमें, 2.5 है, पर ये तो उससे भी कम है, मतलब हम लोग 0.35 पे नहीं ले जा सकते, कहाँ ले जाएंगे, मान लीजिए 0.35 पे ले चलते हैं, ठीक है, 50 पे भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि 0. अगर देखिए आप यहाँ पे 0 जब 2.5 था तो उस केस में 2 और 3 के बीच में था, तो हम लगभग हाफ लिए, 0.395 लिए, पर 395 पे या 0.4 पे हम अभी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 नहीं है, 2.5 से बहुत कम है, 2.2 है, तो इस केस में आप ऐसे ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1.35। अब इजीली हमको निकालना क्या था, हमको ये दोनों नहीं निकालना था, हमको तो निकालना था लॉग ऑफ 25 टू द बेस 22, तो इसको अब हम कैसे लिखें, लॉग ऑफ 25 बाय लॉग ऑफ 22, और बेस क्या दिए थे, बेस एंडिंग फार्मूला से 10, तो इसका लॉग ऑफ 25 अभी निकाले 1.40, ये क्या निकाले 1.35, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अब इसमें 5 से आप काट सकते हैं, 5 टू जा 10, 5 8 जा 40, फिर इसी तरह से 5 टू जा 10, 5 7 जा, अब इसको आप काट देंगे 27 और 28, तो 27 1 जा 27, एक 0 ले लेंगे तो 10 बचेगा 100, तो ये बचिए 0 और 27 3 जा 21, और भी बहुत बढ़ सकता है, तो हम लोग लगभग कितना लेंगे 0.1.03, तो ये इसका आंसर हो गया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आपको लॉग ऑफ 85 निकालना है और बेस है इसके इसमें 16, तो अगेन ये थोड़ा मुश्किल है कि 16 का कितना पावर रेज किया जाए, 85 आ जाए, तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि 22 का 1.03 पावर रेज किया जाएगा तो 25 आ जाएगा, तो इतना आसानी से लॉग निकाल देता है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर से इसको 10 के बेस में बदल देते हैं, लॉग ऑफ 85 टू द लॉग ऑफ 16 टू द बेस 10। अब देखिए मैं उतना कैलकुलेट नहीं करूँगा, फिर से आपको यह बता दूँ, लॉग ऑफ 85 है तो ये कैसे करेंगे, लॉग ऑफ 8.5 इंटू 10 टू द पावर 1, अगेन लॉग ऑफ 8.5 यानी 8 से ज़्यादा, तो लॉग ऑफ 8 कितना होता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लॉग ऑफ 8, तो लॉग ऑफ 8 तो इनसे याद नहीं है, तो लॉग ऑफ 2 याद है, हाँ 2 याद है, 0.301 होता है, तो लॉग ऑफ 8 भी आपको याद है, 8 को हम लिख लेंगे 2 का पावर 3, अब जहाँ ये देखिए पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, तो 3 लॉग 2 यानी लॉग ऑफ जो 8 होगा वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स लॉग 2, लॉग 2 कितना होता है 0.301, तो ये कितना हो गया, इसको 309 लॉग ऑफ 0.903, और ये क्या है, ये 8.5 है यानी 8 से ज़्यादा है, लॉग 9 कितना होता है, तो लॉग 9 थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसी दोनों के बीच में आने वाला है, तो लॉग 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 2 आगे अगर लेते हैं तो ये कहा जाएगा 2 लॉग 3, अब 2 इंटू 0.477, क्योंकि लॉग 3 होता है क्या 477, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एक 15, 4 2 जा 8 9, 0.954, 0.954 है और ये 0.903 है, इसी दोनों के बीच में है, ठीक है, क्योंकि 8.5 है हमारा, यानी इस दोनों के बीच में, तो कितना ले सकते हैं, तो हम लोग जब इस दोनों के बीच में लेना है तो इस दोनों के बीच वाला वैल्यू लेते हैं, 900 से 954 तक जाना है ना, ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इस केस में हम लोग 9.30 ले लेते हैं, क्योंकि 9.03 और 9.54 के बीच में 9.30 लगभग लगभग बढ़ता है ना, 60 का गैप है लगभग, तो 0.30 ले लेंगे, 0. कितना ले लेंगे 9.930 ऐसा ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, लॉग ऑफ 8.5 प्लस लॉग ऑफ क्या 10, तो ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका साइड कैलकुलेशन अगर याद नहीं रहे तो, ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 8.5, तो फिर से मैं बता रहा हूँ लॉग ऑफ 8.5 जो है वो कितना आ जाएगा, तो इसमें हम लोग लॉग ऑफ 8.5 क्या लेते हैं 0.930, ठीक है, क्योंकि ये 0.903 है और यह है 0.954, तो इस दोनों के बीच में, तो 0.930 आराम से बैठ रहा है, ठीक है, या आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं आपका मन हो तो, ये इससे भी थोड़ा आगे जा सकते हैं, चलेगा 35 हो जाए, 25 हो जाए, चलेगा, तो वो ये हो गया क्या 1.930, इस तरह से इसका आ गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो इसका तो आ गया, किसका लॉग ऑफ 16 निकालना टू द बेस 10, ये अगेन क्या करेंगे, लॉग ऑफ 16, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 1.6 करके चले जाए वैसे भी निकल सकता है, या एक तरीका है 2 का पावर 4 करके, तो चलिए हम लोग जिस तरह से करें उसी तरह से करें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा लॉग ऑफ 1.6 प्लस लॉग ऑफ 10, तो लॉग ऑफ 10 अगेन 1 होगा, और 1.6 का कितना हो जाएगा लॉग, तो लॉग ऑफ 1.6, तो लॉग 1 का कितना होता था याद है आपको, तो हाँ लॉग 1 तो 0 होता है, लॉग 2 कितना होता है,
तो लॉग टू जो होता है वो होता है आपको 0.30, तो इसका कितना हो सकता है? तो इसका उस दोनों के बीच में, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, तो लॉग टू जो है वो 0.30 बने, लॉग वन जो है वो कितना होता है? 0 होता है, तो इस दोनों के बीच में, ठीक है, और एकदम कम बीच में, क्योंकि 1.6 का बात है, तो थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे हम लोग 200 के आसपास चले जाएंगे, क्योंकि 1.6 जो है 1.6 वो 2 के पास है ना, तो 2 के पास कौन आ रहा है? 301, ठीक है, तो यहाँ से कम 2 का गैप तो बना सकते हैं, तो हाँ, तो 1.6 को हम लोग क्या लिख देंगे? लगभग 0.20, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक, 200, चलिए 200 प्लस ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 10 अगेन, तो ये हो जाएगा क्या? 1.200 या 1.20 लिख सकते हैं। तब अगेन हमको कैलकुलेट क्या करना था? लॉग ऑफ 85 टू द बेस 16, तो इसको हम लोग क्या लिखे? लॉग ऑफ 85 टू द बेस 10 बाय लॉग ऑफ 16 टू द बेस 10। लॉग ऑफ 85 कितना आया है? 1.930, ये कितना है? 1.200 लिख ही देते हैं, तो 0 कैंसिल हो गया, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट चला गया, तो अब 120 को 193 से करना है, तो 1.93, अब कितना बचा आपको? तो 63 बचा, तो इस कंडीशन में अगर डिवाइड करें 193 को किससे, 120 से, तो आपको कितना आ जाएगा? तो 1.6 जा, हाँ तो 6 जा, 126 जा, 720, तो हाँ ठीक है 6 जा, और उसके बाद फिर एक डेसिमल, फिर 0, ऐसे करते करते आपको लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 1.6 के आसपास आएगा, या 60 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथम निकाल सकते हैं इस वैल्यू का भी। अब चलिए अब एंटी लॉग निकाल के देखते हैं, ठीक है, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन का, मान लीजिए यहाँ 850 रहता तो कितना होता? सिर्फ 10 to the power 2, तो ये क्या हो जाता? सिर्फ 10 का पावर 2 होता था, 2 आ गया था, तो यहाँ 1 की जगह 2 लिखा जाता, तो ये 2.930 रहता। अगर 0.85 रहता तो फिर 10 to the power -1 होता, तो 1 घट जाता। अब एंटी लॉग का 2 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक प्लस वाला एक माइनस वाला करके देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस वाला में क्या करें माइनस वाला में क्या करें। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया हुआ, फिर भी एक बार और हम लोग एंटी लॉग निकालते हैं, 2 क्वेश्चन से ईजिली कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंटी लॉग निकालने, अगेन एंटी लॉग के प्रॉपर्टी वगैरह इस सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको एंटी लॉग ज़्यादा निकालने का जरूरत होगा, अब वो भी कहाँ होगा वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कर दूंगा थोड़ी देर बाद। मान लीजिए एंटी लॉग निकालना है 2.546 तरीका, इतना बड़ा बड़ा भी डरना है, कितना भी चीज़ रहे आपको डरना नहीं, आपको ये सामने वाला देखना है। एक तो तरीका है कि ये जितना आगे में रहे उसको पावर 2 कर दीजिए, उसको बना दीजिए 10 का पावर 2, यहाँ पे जैसे 2 है ना, 10 का पावर 2, 5 रहता है तो 10 का पावर 5, 23 रहता है तो 23। पर चलिए आप ऐसे नहीं समझना, आपको आप कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, आप क्या कर देंगे, जो भी चीज़ दिया हुआ है एक डिसिमल से पहले एक डिसिमल के बाद, तो उस दोनों को अलग अलग कर देंगे, जैसे 2.5463 को 2.2 प्लस 0.5463 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि ये वाला पार्ट जो है जिसको हम डेसिमल पार्ट बोलेंगे, हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे, एक डेसिमल पार्ट एक नॉन डेसिमल पार्ट, तो ये डेसिमल पार्ट क्या होना है? हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे यहीं अगर हम लोग को इसी क्वेश्चन का माइनस मिला था एंटी लॉग ऑफ -2.5463, तो इसको अगर तोड़ते, मैं दोनों को एक साथ लेकर चलता हूँ, तो इसको तोड़ते एंटी लॉग ऑफ अगेन -2, और ये भी क्या होता है -0.5463, क्योंकि अगर प्लस तो यहाँ कर नहीं सकते हैं, प्लस कर देंगे तो ये तो 2 से कम ही हो जाएगा, पर 2 से ज़्यादा करना है तो माइनस आ गया, पर ये माइनस नहीं हो सकता, तो क्या उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि इसमें +1 जोड़ दीजिए, तो ये +1 के साथ जहाँ जाएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और +1 के साथ इसको जोड़ेंगे तो -1 एक करना भी करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कोई चीज़ जोड़ देंगे, तो इसलिए +1 -1 हम इस केस में कर देते हैं। खैर अभी पॉजिटिव वाला देखते हैं, नेगेटिव वाला भी देखेंगे अभी, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें हम एंटी लॉग, अब देखिए एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे का दुश्मन होता है, कट कर देता है, इन्वर्स होता है, ये तो पढ़े ही थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। तब यहाँ पे 2 है, 2 को हम क्या लिखते हैं? कोशिश करते हैं लॉग के रूप में लिखने का, तो लॉग ऑफ 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 2 है यही 2 आगे आ जाएगा, और लॉग ऑफ 10, तो लॉग ऑफ 10 तो 1 होता है, तो 2 into log of 10 यानी 2 into 1, तो 2, हाँ ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? तो ये इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 0.5463 किसके आसपास आता है? आप अगर याद करें 0.563, तो 0.log 3 कितना होता है? 0.477, तो उसके आसपास आ रहा है, 3 के आसपास, ठीक है। और लॉग 4 कितना होता है? 0.477, 4 से थोड़ा आगे आ रहा है, तो हाँ 4 से थोड़ा तो आगे आ रहा है, तो लॉग 4 और लॉग 5 के बीच में चलते हैं, तो लॉग 4 आपको याद हो तो 0.477 होता है, ठीक है। लॉग 4 कितना होता है? 0.477, ठीक है। सॉरी, लॉग 3 जो होता है वो कितना होता है? 0.477, और लॉग 4 जो होता है वो 2 times log 3 आपको निकालना होगा, 2 का पावर 2 लिख देंगे, 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.602, तो इसके आसपास है ना, 3 के आसपास, ठीक है। लॉग 3 का आंसर कितना होता है? 0.477, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.5463, तो 0.5463 किसके बाद आता है? तो 3 के ही बाद, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लगभग इसके बीच में है, तो 3.5,
ठीक है, log ऑफ 3.5, सॉरी log ऑफ 3.5। अब अंदाजा लगाइए, इसको उल्टा भी आप सोच के देख सकते हैं कि log ऑफ 3.5 कितना होगा। तो log ऑफ 3 हो जाता है 0.47, उसमें 0.5 और एक्स्ट्रा तो थोड़ा और जोड़ देंगे, यानी 0.54 अप्रॉक्सीमेट है। आप 3.45 भी ले सकते हैं, 3.50 भी ले सकते हैं, 3.55 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट, जो कि log टेबल का हम यूज कर नहीं रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी log ऑफ, और ये पूरा क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लस में है, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में रहते हैं तो प्लस में कर देते हैं, यहाँ प्लस में है तो मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 3.5 × 10^2। ठीक, अब ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये क्या बन गया 3.5 × 10^2। ठीक है, या इसको और अच्छे से लिखा जाते हैं तो 350 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, किसी किसी को नहीं पता चलते रहता है कि एंटी लॉग का मतलब क्या है। तो देखिए एंटी लॉग का मतलब है वही जो एक्सपोनेंट का है। एंटी लॉग अगर हमको लिखा हुआ है कोई भी चीज़, मान लीजिए कि एंटी लॉग लिखा हुआ है 6^2, तो इसका आंसर हो जाता है 36। मतलब ये इतना सिंपली मीन्स है 6^2 = 36, यही मतलब है। जैसे एंटी लॉग, उसका कोई बेस है, एंटी लॉग ऑफ a^b = c है, तो इसका सिंपली मीन्स b^a = c। जैसा एक्सपोनेंट रहता है ना, वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, एंटी लॉग में, पर हाँ ऑफकोर्स इससे थोड़ा अंतर है। तो ये अब इस केस में क्या करेंगे, निगेटिव वाले केस में, तो निगेटिव वाले केस में मैंने आपको बता दिया है, आपको क्या करना है, एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन कर देना। क्यों? क्योंकि डेसिमल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो माइनस टू कर दिया, माइनस वन कर दिया, और इसमें प्लस वन जोड़ दिया। ठीक है, प्लस वन जोड़ा, प्लस वन घटाया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये क्या हो गया, -0.5463। अब अगर घटाएंगे इसमें से वन में से -0.5463, तो कितना आएगा, तो ये तो आ गया -3, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5463 है ना, तो 5463 अगर घटाएंगे तो आ रहा है 0.4531। ठीक है, देख रहे हैं आप किसके आसपास आ रहा है, 0.477। 0.477 किसके लॉग का वैल्यू होता है, 0.477 लॉग 3 का वैल्यू होता है, मतलब 3 के आसपास हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया एंटी लॉग ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं अगेन, इसको लिख सकते हैं log of 10^-3, यही ना हो जाएगा, -3 आ जाएगा, log 10^1 हो जाएगा, और 0.4531 ये किसका होगा, तो अंदाजा लगाइए 0.4531, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ क्या 3 लिख सकते हैं, 3 का कितना होता है 0.477, तो 3 नहीं लिख सकते एग्जैक्ट, तो 2.9 लिख दे, तो हाँ लिख सकते हैं 2.8 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा अगेन, एंटी log ऑफ, अब log यहाँ पे प्लस में है तो उसको प्रोडक्ट में बदल देते हैं, तो log ऑफ 2.9 × 10^-3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी log log कैंसिल, तो 2.9 × 10^-3। तो इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक देखते हैं कि एंटी लॉग का यूज कहाँ होता है और लॉग का कहाँ यूज होता है। बड़े बड़े कैलकुलेशन में मैंने तो बता दिया, पर एक भी सॉल्व करके अच्छे से नहीं दिखाया, तो अभी जो है हम लोग इस दोनों का यूज करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग और लॉग लगाते हुए बड़े बड़े कैलकुलेशन को ईजी कैसे बनाया जाता है, लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम इसको देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, और वो नंबर क्या है, 793, और उसका जो एक्सपोनेंट है वो है 6, यानी 1/6, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो ऐसे केस में आपको और कैलकुलेट सीधा दिया हुआ है, कैलकुलेट या फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो क्या आप मन से कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं कि बराबर है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, √793 और उसके बाद 6 है, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, मान लीजिए एक्स। तो अब हम लोग का एक पास एक ऑप्शन है, इसको हम लोग क्या जानते हैं, ये 693^1/6 है और ये x है, तो ऐसे केस में हम 1/1/6 निकालना आसान नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग लॉगरिथम का मदद लेंगे। लॉगरिथम का यहाँ मदद क्यों लेंगे, लॉगरिथम का मदद इसलिए लेंगे कि 1/6 को आगे कर लेगा और 793 अकेले हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे उसका मदद लेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे लॉगरिथम बोथ साइड, अप्लाइंग लॉगरिथम बोथ साइड। आप लोग केमिस्ट्री में pH वगैरह निकालेंगे, वहाँ भी बहुत काम आएगा। दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, लॉगरिथम लगा देंगे या लॉग लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम लॉग सेम है, तो लॉग ऑफ 793^1/6 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स लगाएंगे दोनों तरफ, जैसे मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो ये 1/6 आगे आ गया, इक्वल इंटू लॉग ऑफ 793 इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखिए 793 का लॉग निकालना एकदम आसान है, कैसे, तो 1/6 लॉग, इसको क्या बदलेंगे, इसको बदलेंगे 7.93 × 10^2 इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखिए फिर से 1/6, इसको क्या कर लेंगे, लॉग ऑफ 7.93 और प्लस लॉग ऑफ 10^2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, 1/6 लॉग ऑफ 7.93 जो है, लॉग ऑफ 7.93 यानी 8 के आसपास, तो लॉग ऑफ 8 कितना होता है, देखिए तो लॉग ऑफ 8 जो होता है, लॉग ऑफ 8 अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे, लॉग ऑफ 2^3 यानी 3 टाइम्स लॉग 2 यानी
3 इंटू 0.30 1 लॉग टू 3.01 होता है, तो ये हो गया क्या 309, यानी 0.903, पर ये थोड़ा सा कम है, ठीक है 0.93। तो ये आप इसको किस में ले चलेंगे, 8 के समथिंग में, तो ये हो जाएगा 0. मान लीजिए 80 के आसपास, चलिए 80, 890, ये क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10, तो यानी सिंपली 2, तो ये क्या हो गया 1.6 इंटू 2 प्लस इतना, तो 2.880। अब 1/6 को इससे अगर हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके, ये आपका जो आ रहा है वो आ रहा है लगभग 0.4 समथिंग, तो ये 48 हम लोग ले लेते हैं 0.48, ठीक है 0.48 हो गया। तो ये आ गया क्या, ये किसका वैल्यू हो गया, लॉग एक्स का, हमको लॉग एक्स तो ना, हमको तो एक्स का वैल्यू चाहिए था, एक्स कौन हम माने, एक्स इस चीज़ को माने, तो इसको तो एक्स चाहिए, एक्स लगाने के लिए, अब ये लॉग हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हमारे पास क्या है लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 0.48, पर हमको लॉग ऑफ एक्स नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, लॉग हटाने के लिए क्या तरीका है, अप्लाइंग एंटी लॉग, ठीक है एंटी लॉग लगाने के लिए, उसी तरह से जैसे स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्क्वायरिंग कर देते थे, मान लीजिए ये रहा रूट एक्स इक्वल टू वाई, तो इसको आप लोग सॉल्व करना जानते हैं कि इधर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स, इधर स्क्वायर कर देंगे तो वाई, तो ये सॉल्व करना आसान है इसके मुकाबले, उसी तरह से यहाँ क्या कर देंगे, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लगा देंगे दोनों साइड, तो एंटी लॉग लगा देंगे, तो इस कंडीशन में लॉग और एंटी लॉग इधर जब लगाएंगे एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये एंटी लॉग लॉग तो एक दूसरे को खा जाएगा, इधर क्या बचेगा एंटी लॉग ऑफ 0.48, तो ये कैसे निकालेंगे, तो एंटी लॉग लॉग खा गया, तो इधर क्या बचा एक्स जो हमको चाहिए था, इधर क्या बचा एंटी लॉग ऑफ 0.48। अब अगेन इसको तो अब अलग अलग क्या है, ये तो एक ही है ही, अगर 1.48 रहता है तब ना 1 + 0.48, तो आपको सिंपली क्या निकालना है 0.48, तो ये 0.48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर तो 0.48 किसका वैल्यू होता है, तो लॉग ऑफ अगर आप बात करें 3 का, तो 0.477 होता है, तो उसी के आसपास है, तो लॉग ऑफ 4.00 ऐसे ही कर दीजिए 1, तो ये हो गया, यानी एक्स जो हो गया वो क्या हो गया 4 point something, यानी 4 ही ले सकते हैं या 4.01, यानी इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो 4 आएगा लगभग, ठीक है, यानी इसका पावर 793 का पावर जब 1/6 कर दिया जाएगा तो लगभग 4 के आसपास आएगा। तो देखिए आप कितना इजीली ये सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए लॉगरिथम जो है वो हमारा बहुत यूज में आता है, ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, तो चलिए इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, अगर कोई दिक्कत लगा हो, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में, चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर है उसको समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।